मैं संतोष कुमार पटेल आज फिर टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर एक बार स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज आपको हम बताएंगे कि एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाता है, बैंक संबंधी एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। जब आपके बैंक के खाते जो हैं, आपके बैंक में कोई कमी है, आपके बैंक में कोई समस्या हो रही है आपके बैंक अकाउंट में, या आपको आपका KYC कराना है, आपका बैंक अकाउंट बंद है तो उसको चालू कराना है, आपका बैंक अकाउंट ओपन कराना है, या कुछ भी हो, A to Z आपका बैंक संबंधी जो भी एप्लीकेशन है सारे मैटर वही हम बताएंगे। एक एप्लीकेशन आज हम बताएंगे, उस एप्लीकेशन की सहायता से आप उस प्रश्न पत्र की सहायता से आप बहुत सारे एप्लीकेशन लिख सकते हैं जो बैंक में बहुत ज़रूरी है। और ख़ास बात, सबसे अभी जो NPCI खाता चल रहा है, NPCI खाता में क्या होता है कि NPCI अगर आपका कनेक्ट नहीं रहता है तो आपका कोई भी सरकारी पैसा आधार कार्ड से नहीं आता है। सरकारी पैसा चाहे जो भी हो, चाहे सब्सिडी हो और चाहे वो आपका किसान लाभार्थी, कुछ भी नहीं आएगा। तो वो नहीं आ रहा हो तब भी आपको NPCI लिंक कराना है। इसके लिए आज हम NPCI लिंक कैसे की करवाया जाए, बैंक में जाकर एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र देकर मैनेजर साहब को, उस एप्लीकेशन को अभी हम आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे कैसे लिखना है और क्या क्या लिखना है। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते जाइए, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट कर दीजिए। चलिए वीडियो को पहले शुरू करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो ये है आपका, जैसे कि एप्लीकेशन आपको यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन किस किस एरिया में लिखना है, कैसे लिखना है, आपको स्पेस कहाँ पर देना है और कहाँ पर लिखना है, इस ये सारी विशेष बातें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आपको देखना ही यही है कि आपको लिखना कहाँ है। तो सबसे पहले आपका जैसे कि पेज का दो कर्सर होते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, दो कर्सर यानी आपका एक इधर होता है एक इधर, दोनों तरफ अगर हम बॉर्डर लेते हैं। तो सबसे पहले सेवा में आपको इस स्थान पर लिखना है, इसके बाद कॉमा लगाना है, फिर आपको यहाँ पर श्रीमान शाखा प्रबंधक लिखना है। श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय लिख सकते हैं अगर लिखना है, अगर यहाँ पर महोदय लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी बैंक का नाम लिखना है, बैंक नाम जो भी हो, जैसे हमने कुछ दे दिया है एग्जाम्पल के रूप में, तो आपको अपने बैंक का नाम लिख देना है यहाँ पर। और उसके बाद विषय, आपको ये सेवा में की सीध में लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसके सीध में लिख सकते हैं, यहाँ सब कहीं पर भी लिख सकते हैं। आपको विषय, उस विषय को लेना है जिस विषय में आपको काम हो, जैसे कि आपको खाता खुलाना है तो आपको कि खाते को चालू करने के विषय में, अगर आपको खाते को आधार कार्ड से लिंक करना है तो आप लिखिए कि खाते को आधार कार्ड से, आधार नंबर से लिंक करने में। पर हमने खाते को NPCI से लिंक करना है तो हमें कैसे लिखना है, हम जैसे कि लिख रहे हैं यहाँ पर, खाते को NPCI से लिंक करने तथा मेरा आधार नंबर यानी आधार अपडेट करने हेतु, ये आपका सब्जेक्ट लिख दिए, इस आपका सब्जेक्ट है, इसको आपको अपडेट करना है यानी आधार कार्ड आपको अपडेट करवाना है और NPCI लिंक करवाना है। कैसे कैसे मैटर लिखेंगे वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर इतना लिखने के बाद आपको महोदय लिख देना है, नहीं महाशय लिख देना है, जो कुछ भी आपको चलता है लिख सकते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर इस श्रीमान के सीध में ही महोदय लिखना है, इधर नहीं लिखना है सेवा में कि नीचे, इस सीध में नहीं, सीधे ध्यान देना है, सीधा यहाँ पर कैसे स्पेस छोड़ना है, यही विशेष ये बातें हैं। तो आपको देख रहे हैं जैसा कि इसमें आपको महोदय के बाद क्या क्या लिखना है आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको सभी निवेदन है कि मैं खाता धारक, यहाँ पर आपका नाम, अपना इस जगह पर आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद खाता संख्या, यहाँ पर अपना खाता संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखना है, सभी निवेदन है कि मैं खाता धारक, खाता संख्या इतना, आपके बैंक का खाताधारी हूँ और मेरे खाते में किसी भी प्रकार का सरकारी पैसा आने में समस्या हो रही है या नहीं आ रहा है, यानी आने में परेशानी हो रही है, आ नहीं रहा है, दोनों लिख सकते हैं। तो इस तरह लिख सकते, लिखना आपको ज़रूरी है। उसके बाद आपको स्थान, ये पैराग्राफ छोड़ देना है, अगले पैराग्राफ को आपको जहाँ सबने शुरू की है उसके सीध में आपको लिखना है, मेरे खाते में NPCI के माध्यम से होने वाले लेन देन में रुकावट आ रही है, इस चीज़ को लिखना है।
उसके बाद ये रुकावट आ रही है, इसको लिख दिए, फिर उसी के सीध में यहाँ शुरू करेंगे। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, लिख सकते हैं या निवेदन है, जो कुछ भी विनम्र निवेदन है कि एनपीसीआई में से, एनपीसीआई के माध्यम में से, एनपीसीआई जो ब्रांच होती है, एनपीसीआई जो आपका पेमेंट है आपका नेशनल, तो इसमें क्या होता है, आईएमपीएस या आईईपीएस, ये जो माध्यम होते हैं, इन माध्यमों से आने वाले पैसे आपको ये जरूर लिखना है। ये आधार कार्ड से पैसा आता है, तो आधार से पैसा आने के लिए AEPS को जरूर इनेबल कराना है। AEPS को आपको इनेबल कराएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ये ज़रूरी है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर आदि सभी माध्यमों को सक्रिय करवा दिया जाए, यानी इन माध्यमों को आपके उसमें ऑप्शन को सक्रिय कर दिया, आपकी अति कृपा होगी, ये चीज़ लिखना है। इतना आपको लिखने के बाद आपको नीचे फिर क्या लिखना है उसको चलते हैं, हम दिखाते हैं। पूरा इतना लिख देना है, एक बार फिर से ध्यान में रख लीजिएगा क्या क्या अंक लिख देंगे। इधर साइड इधर नाम लिखेंगे जो इसका खाता है, और उसका खाता संख्या यहाँ पर लिखेंगे जिस जो खाता है, उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे जो मोबाइल नंबर है, उसका आधार संख्या लिखेंगे जो आधार संख्या है, उसके बाद उसका हस्ताक्षर लिख करेंगे यहाँ पर, जो हस्ताक्षर करता है वो कर देंगे। इधर शाखा प्रबंधक हस्ताक्षर का एक बॉक्स बना देंगे, एक कॉलम बना देंगे, जहाँ पर वो अपना मुहर और हस्ताक्षर कर सकता है। ये टोटल लिखने के बाद, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप एक एप्लीकेशन लिख दिए, प्रार्थना पत्र लिख दिए हैं, और जहाँ कर जो काम हो, जो हमने मैटर में दिखाया कि हमें एनपीसी लिंक कराना है, आपको अगर खाता चालू कराना हो तो आप लीजिए, खाता चालू करवा दीजिए, तरह तरह की आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन को लिख सकते हैं और एप्लीकेशन देकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। इस तरह से ये वीडियो था, अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम हाई स्कूल और इंटर संबंधी एप्लीकेशंस बता देंगे। ये तो आपका एक बिजनेस यानी आपका बैंक संबंधी एप्लीकेशन था, तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। हाँ, तो अगर आपको अपने बैंक को, बैंक के खाते को, और कोई आपके बैंक के खाते को एनपीसीआई से लिंक कराना हो, या कोई भी प्रॉब्लम, एटीएम अप्लाई करना है, कुछ भी, तो आपको हमने बता दिया, इस सारे प्रोसेस को अपना सकते हैं और अपना काम बना सकते हैं। और सारी जानकारी, हाई स्कूल इंटर संबंधी वीडियोज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हाई स्कूल की पूरी तैयारी कराई जाएगी, आपको हमारे चैनल पर मिलेगी सारी वीडियोज, और मोबाइल और टेक्निकल संबंधी वीडियोज मिलती रहेंगी। बस आपको चैनल पर स्टे रहना है। तो अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक, एंड कमेंट, बैड कमेंट या गुड कमेंट, दोनों में से कोई भी आपको जैसा लगे। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।